बसमिल प्रोग्राम है सुबह वतन और मेरे वतन की सुबह है आपके वतन की सुबह है पैगाम की सुबह है जिसमें मैं आपके साथ हूँ नवीद निज़ामी साल का आज आखिरी दिन है थर्टी फर्स्ट दिसंबर हम इस पर सोचेंगे कि हमने क्या खोया है क्या पाया है और हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है आज आखिर में हम इस पर बात भी करेंगे इब्तदाद में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह हर बंदे का अपना कोई ज़िंदगी का मकसद होता है अपने गोल सेट करता है कि इस साल मैंने ये हासिल करना है इसके लिए कोशिश करनी है ये अचीवमेंट मेरी रहेगी इस साल में या इस साल मैं ये प्लानिंग करूँगा ताकि आने वाले चंद सालों में मुझे ये मिल सके तो ये अच्छी बात है लेकिन एक जात ऊपर बैठी है जो सारी तदबीर करने वाली है आपकी सारी तदबीरें वहाँ से ही चलती हैं आप उनसे मांगिए आप उस हस्ती के आगे गिर और जब आप उनसे मांगेंगे तो फिर आपको वो सब कुछ भी मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब आप इस साल के एंड तक पहुंचते हैं तो जैसे बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में ताली इदारों में छुट्टियां होती हैं और हम भी प्लान कर लेते हैं कि ज़रा इन छुट्टियों को एंजॉय करें हम कहीं बाहर निकलें लाहौर से हम हिल स्टेशनस पर जाएँ हम ऐसी जगहों पर जाएँ कि जहाँ का एटमासफ़ियर बड़ा फ़्रेश मिले वहाँ पर आबो हवा फ्रेश मिले तो मुझे भी इतफाक़ हुआ चंद दिनों के लिए फैमिली को लेके बच्चों को लेके बच्चों ने इंसिस्ट किया कि निकल जाएं हम हिल स्टेशन पे हम स्नोफॉल देखें हम माउंटेंस को देखें फ्रेश एयर लें क्लाइमेट चेंज होगा थोड़ा फ्रेश फील करेंगे ये सब तो हुआ लेकिन एक चीज़ बड़े अफसोस के साथ मुझे कहनी पड़ेगी कि जिस तरह ट्वेंटी दिसंबर था और उसके बाद थर्टी दिसंबर जैसे कि आज हम आपके साथ हैं तो वहाँ पे ऐसे भी वाकयात देखने को मिलते हैं जो फैमिलीज़ आती हैं जो लोग इन्जॉय करने आते हैं उनको हमारी नौजवान नस्ल और कुछ मैंने ऐसी उम्र के बड़े लोग भी देखे जो अपनी एज का बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे थे और फैमिलीज़ को हूट कर रहे थे आने वाले सयाहों को तंग कर रहे थे मेरे जेहन में बार बार ये आ रहा था कि ये लोग जो फैमिलीज़ को तंग कर रहे हैं कि इनकी अपनी कोई फैमिलीज़ नहीं है क्या ये फैमिलीज़ में परवान नहीं चढ़े हैं जिन माओ बहनों को देख कर ये हूट करते हैं या ऐसे जुमले जू जुम मानी बोलते हैं क्या ये किसी माँ के बेटे नहीं हैं किसी बहन के भाई नहीं हैं किसी बीबी के शौहर नहीं हैं तो काफ़ी तकलीफ दे भी ये चीज़ें थी ये मुआरे का बिगाड़ है जिस पर हमें खुद सोचना होगा तो अगर नहीं सोचेंगे तो फिर जो आपने करना है वो आपने भरना भी है छोटा सा मैसेज सुबह सवेरे मैंने आपको दिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको पता है हमारा फॉर्मेट होता है जिसमें तीन मुखलिफ चीजें आपके सामने रखते हैं ब्रेक्स में सबसे पहले तलावत कुरान करीम इसका फैज हम हासिल करेंगे सुनने का आपके सवालत होंगे आज की शख्सियत होंगी हमारे आज के हीरो होंगे जिनके बारे में आपको बताएंगे फिर ख्वाबों की ताबीर जिनके बारे में आपको इंतजार रहता है वो बयान की जाएंगी और आज की बात में हम कोरोना और ओमिक्रोन जो अब लेटेस्ट एक और नया वायरस आ गया है उस पर भी बात करेंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मोजस मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ मुस्कुराती शख्सियत और हमारे सेट की रौनक होते हैं जनाब मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं सर आपके आने का बहुत शुक्रिया हम मुस्कुराने पर बात भी करेंगे वैसे प्रोग्राम में इनके साथ मौजूद हैं आज हमें जॉइन किया है कारी मोहम्मद इमरान सल्फी साहब ने कारी साहब आपके भी आने का शुक्रिया कारी साहब जो हैं फ़ाज़िल करात इशरा हैं और हमारी मस्जिद के पैगाम टीवी के इमाम भी हैं हम इनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ते हैं सर आपसे मिलकर आज खुशी भी हुई और सेट पर हम बात भी करेंगे तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बरकतें समेट लेते हैं कारी साहब आपसे गुजारिश है कि तलावतें कुरान करीम कीजिए और आज की शुरह होगी आलिमरान आयात वन नाइन्टी यानी कि एक से एक सौ आयात हम सुनने की सदत हासिल करेंगे सर प्लीज़ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آياتٍ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد सुबह अल्ला जजाला आपको जज़ैर अता करें हमने सदत हासिल की और तलावत कुरान करीम सुनने के बाद हम बढ़ते हैं आज के वजीफ़े की जानब भट्टी साहब सबसे पहले तो ये बताइए कैसे आप माशा मुस्कुराती शख्सियत और अच्छा लगता है मुस्कुरा और ये सुनत रसूल भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का का फरमान है कि तबस्सुम वजह चिढ़ते हैं ये हंसा क्यों है? <laughs> नहीं, नहीं मुस्कुराते चेहरे को वो पता नहीं क्या समझ लेते हैं या उनको क्यों नागवार गुजरता है ये होता है कि नागवार जो चेहरे पे असरा हो उनपे नागवारी आती है कि यार आंखें चढ़ा के रखता है भवें चढ़ा के रखता है मुस्कुराने पे कौ, लोगो इस कौन लोगों को कौन सी <laughs> अच्छा चले इससे पहले कि हम वजीफ़े की जानब चले एक छोटी <laughs> सी गुफ्तु उसका आगाज़ करते हैं मुझे आप ये बताइए कि हम जैसे कि सोशल मीडिया पर नाजरी आपकी राय आती है जिसका हम बड़ा एहतराम करते हैं आपके सवाल आते हैं आपके ख्वाब आते हैं हम उनकी तबीरत और जवाब शामिल करने की कोशिश करते हैं ये जो मज़दि शख्सियात हमारे पास मौजूद होती हैं इनका आना बाय से बरकत होता है और वसीला बनते हैं आपके उन सवालों के जवाब का ख्वाबों की तबीर का तो इनकी इज़्ज़त और अहतराम और तक हम पे और आप पे लाजिम है सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो जहाँ पे हमारे बारे में अच्छे व्यूज़ लिखे जाते हैं तो बहुत शुक्रिया हम उसके बड़े मशहूर हैं लेकिन हमारी सरजनिश भी की जाती है और कुछ ऐसी सरजरिश होती है जो बिला जवाज भी होती है तो मैं ये पूछना चाहूँगा अपने उन भाई से जिन्होंने सोशल मीडिया पर हमसे ये पूछा कि इसमें ऐसी हंसने वाली कौन सी बात है मुस्कुराने वाली कौन सी बात है तो भटी साहब बात यह है कि हमारे हंसने पे कदगन ये क्यों हो सकती है इस तरह की बात या मुझे ये कह लेने दीजिए कि सोशल मीडिया के सुकरात अरस्तु और पता नहीं कौन कौन से दानिश ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखते हैं कि बाज़फ़ा हम सोचते हैं कि इस पर बात कर लें तो दो जुमले ज़रा इस पर फरमाइए मेरा ख्याल है कि वो सोशल मीडिया की फ़ा से मुतासर हैं कि उनके सामने एक मुसलमान की जो तस्वीर है ना कि वो उसकी पेशानी पर तेवड़ियाँ हों बाज़ू उसने चढ़ाए हुए हों या जिस तरह के गैर मुसलम हमारी तस्वीर पेश करते हैं कि जिसम पर एक वासकट पहनी हो बम्बों भरी हुई सर पे भी बम रखा हो हाथ में क्लाशन को पकड़ी हो तो ये मुसलमान है तो उनको हंसता मुस्कराता मुसलमान वो समझते नहीं है कि ये मुसलमान है और ये यह रहा है हालांकि नबी रतल्ला वसम की शख्सियत हरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तारन कहते हैं मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मुझे अंदर आने की इजाज़त ना दी हो हर बार इजाजत मिलती है और कहते हैं जब भी मैं आपके पास गया हूं तो आपके चेहरा आए पर मुझे मुस्कुराहट नजर आई माशाल्लाह सर यहां भी जवाब मिल गया फिर तो मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ये मुसलमान के चेहरे पर सजनी चाहिए पर जिन को ये मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती मेरा ख्याल है उनको कुछ सोचना चाहिए उनको सोचना चाहिए तो जी ये छोटा सा ब्रीफ था बड़ा जरूरी था क्योंकि ये कमेंट जो था इस पर हम महसूस भी हो रहे थे और ज़रूरी भी था कि बात करें तो भाई लिखने वाले हम आपकी इज्जत और एहतराम है करते हैं आपकी राय का लेकिन आप भी हंसा के रहें जिंदगी हंस खेल के गुजारे खुश रहेंगे तो दूसरे भी आपसे खुश होंगे और जिंदगी भी आसान हो जाएगी वैसे भी जिंदगी में मुस्कुराने के मौके मिलते ही कब मिलते ही कब वैसा चले कोई बात नहीं अल्लाह भला करे सर आज का वजीफा काइंडली बयान कर दे बिस्मिल्ला

मजीद में, में सबसे अजीम तरीन आयत कौन सी है छ साढ़े छः हजार आयात हैं और उनमें से जो सबसे अजीम आयत है तुम्हें पता है तो कुछ देर के लिए सैदनाबई खामोश हुए कि अल्लाह के नबी खुद बताएंगे लेकिन आपने बार बार पूछा वो भाई पता है वो भाई तुम्हें मालूम है तो सैदनाबई कहते हैं जी हाँ अल्लाह के रसूल आयत सबसे अजीम मुझे लगती है तो आपने थपकी देते हुए कहा ओ भई तुम्हें ये इलम मुबारक हो कुर्सी कुरान मजीद की अजीम तरीन आयत है और अल्लाह इज़्ज़त ने इसको एक जुबान और दो होंठ भी दिए हुए हैं और ये अल्लाह के माशाला, कुर्सी अल्लाह के अर्श के पास अल्लाह तमदोसना बयान करती है माशाल्लाह, तो इसके बेशुमार फायदे हैं अगर हम बयान करना शुरू कर दें तो एक पूरा प्रोग्राम तो इस पर चाहिए फिलहाल सिर्फ दो फायदे जी कि इसको हम क्यों पढ़ें कब पढ़ें तो पहला फ़ायदा तो ये है कि आप अपने घर की हिफाजत के लिए अपने मालो असबाब की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बतौर दम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है जिस चीज़ पर पढ़ के इसको पूरे यकीन के साथ दम कर दिया जाए शैतान उसके करीब नहीं जाता और ये बात ख़ुद शैतान ने बताई अच्छा शैतान ने खुद बताई खुद बताई हतबर रजी अल्लाह तक को अल्लाह के रसूल ने बैतलमाल निगरान मुकर किया जी वहाँ लोगों के सदक़ात और ज़क़त पड़ी थी और आपने अभी तकसीम करनी थी और आपने वार्निंग भी दी अबू रहा ध्यान से बैठना रात को पैरा ठीक तरह देना अबू रहा वार्निंग पर टेंशन बैठे हुए हैं देखा कि एक बंदा आया उसने बोरी रखी और बरनी शुरू कर दी वो तो भाई तू कौन है रोना पीटना शुरू कर दिया जी गरीब आदमी हो छोटे छोटे बच्चे हैं फकर व फाके से तंग आके आया था अबू रा ने तरस खा के छोड़ दिया सुबह रिपोर्ट दी अल्लाह के रसूल आपने वार्निंग दी थी तो रात को एक चोर आ गया था आपने सुना वो फिर आएगा कहते नहीं अल्लाह के रसूल नहीं आएगा अब वो माफिया मांग के गया है लेकिन यकीन भी था कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो ये आएगा ज़रूर आएगा अगली रात फिर टेंशन बैठे फिर वही हुआ थोड़ी देर के बाद वो आया और बोरी भरनी शुरू कर दी भाई तुम तो कल माफिया मांग कर गए थे फिर वो ही रोना धोना फ़करो फाका है बहुत बच्चे हैं क्या करूँ रोना पीटना माफ़ कर दो छोड़ दिया तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने फिर कहा वो आएगा फिर तीसरे ती, दिन फिर मीठ आदमी है वो जाएगा नहीं अच्छा वो ऐसा चोर नहीं है कि तेरे छोड़ने पर माफ़ी देने पर वो भाग जाएगा अब नहीं आएगा आएगा अबू अबूर को तीसरे रोज़ गुस्सा आ गया आज नहीं तुझे छोड़ूंगा तो हर रोज आता है और माफ़ी मांगता है फिर तीसरे दिन फिर आ गया तो कहने लगा मैं आपको एक वजीफा बताता हूँ अगर आप वो वजीफा पढ़ के अपने माल पर फूंक मार दें तो शैतान करीब नहीं आएगा चोर करीब नहीं आएंगे डाके नहीं पड़ेंगे तो बताओ कहता आयतुल अच्छा। माल को दम कर दो तो यहाँ चोर डाके नहीं आएंगे तो सुबह आता अब चोर का क्या हुआ कहसूल के के वो आया तो था मैंने पकड़ भी लिया था फिर वो रोने लाग गया लेकिन वो मुझे एक वजीफा बता गया है तो आपने पूछा क्या वजीफा कह लगे अल्लाह वो कह गया कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़ के आप दम कर दे दे तो कोई चोर इधर पास भी नहीं आएगा

कहीं पे जिक्र है कि शैतान था वो शैतान, शैतान अच्छा। जिन्हों में से ही है ना ठीक है शैतान जिन्हों में से है तो वो आया था इंसानी शक्ल में अब ठीक है तो अब इसीलिए अगर वो अपनी असि में होता तो हो सकता है भी डर जाते थीक है, थीक है, थीक तो है। तो दूसरा इसका आखरत का फायदा क्या है जिस शख्स ने नमाजों के बाद इसको बाकायदगी से पढ़ा यानी फर्द नमाज पढ़ के आप बैठे हैं कुर्सी भी साथ ही पढ़ ली करने वाला जब इसको पढ़ता है तो इस बंदे के दरमियान और जन्नत में पहुंचने के दरमियान सिर्फ रुकावट है इसके फौत होने की जैसे हो ये फौत होगा ये जन्नत में पहुंचना इतना है। बड़ा फायदा इसका कि नमाज तो आपने पढ़नी है मुसलमान तो पढ़नी है तो नमाजों के बाद इस वजीफे का एहतमाम करें और अल्लाह के रसूल से जन्नत की गारंटी ले लें ठीक है ठीक है यानी आज का वजीफा आयतल कुर्सी आपने बयान ठीक है बेटी साहब सवाल बहुत है मेरे पास आपको पता है कि आज के हीरो और शख्सियत भी हमें जी, शामिल जी, करने जी, होते हैं जी. तो आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा आज की जो शख्सियत हमारे पास है उनका नाम है जी इमाम मालिक रहमतुल्लह उनके बारे में पहले ये पैकेज देखते हैं फिर वापस आते हैं खलीफा मंसूर ने इमाम मालिक रहमतल से जबरी तलाक वाक हो जाने का फतवा तलब किया इमाम मालिक रहमत आलै ने हदीस रसूल वसल्लम की रोशनी में खलीफा वक्त को मना कर दिया इसी जुर्म हक गोई की पादाश में इमाम मालिक रहमतल्लाय को गदे पर बिठा कर मुंह काला करके मदीना की गलियों में घुमाया गया और कोड़ों का निशाना बनाया गया इसी दौरान इमाम मालिक रहमत रास्ते से गुजरते कहते जा रहे थे जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं अंस का बेटा मालिक हूँ मैं हदीस रसूल सल्हु वसलम की रोशनी में कहता हूँ कि जबरी तलाक वाक्य नहीं होती ये मुझे इसकी सजा दी जा रही है इमाम मालिक र्ल हदीस रसूल सल्हु वसलम के वक्ार की वजह से मस्जिद नबी सल वालेह वालेह या अपना हल्का दर्ज से बाहर कभी किसी को हदीस नहीं लिखवाते थे खलीफ़ा महदी और खलीफा हारून दोनों ने इमाम मालिक रमत से अपने महल में हदीस रसूल सल्ला वसम के मुस्तकिल दर्ज की ख्वाहिश का इजहार किया तो इमाम साहब ने मस्जिद नबी सल वसलम से बाहर जाने से इनकार कर दिया सब्र इस्तकाम का अमली मुजाहरा दिखाने वाले इमाम मालिक का नाम मालिक बिन अनस है आप इमाम मदीना इमाम अहल हिजाज़ और इमाम दारुल हिजरत के लकब से मशहूर हुए आप तिरानवे हिजरी में मदीना मुनवरा में पैदा हुए आपका शुमार मुजतदीन फकाहा और अजीम मुहदसिन में होता है इमाम साहब साठ साल फिक और फतावा में मसरूफ रहे इमाम मालिक रहमत अल ने हदीस और फिक का इल्म पहले मशहूर मुहदस रबिया रई रहमत और फिर मुहदस इबन हुरमुज रहमत अलह से हासिल किया आपके इस में इमाम इब्ने शहाब जोहरी और सत्तर दीगर इस शामिल हैं इमाम मालिक रहमतुल्ल अ ने सत्रह बरस की उम्र में मदीने में दरसो तदरीस की मसनत संभाली आप हदीस का दर्स बड़े अदबोहतराम से दिया करते थे घुसल करते साफ सुथरा लिबास पहनते खुशबू लगाते और फिर दर्स की मसनत पर तशरीफ फरमा होते इमाम मालिक वक्त हदीस और फिक के इमाम थे आपके तर्ज फिक्र में हदीस और फिक का हसीन इम्तजाज मिलता है इमाम मालिक रहमत अलैह का सबसे तसनीफी कारनामा अलमाअा है जो इल्म हदीस पर लिखी जाने वाली पहली किताब है इमाम शाफी रहमत अब्दुल्ला बिन सलामा आपके शागिदों में से थे इमाम मालिक अलैह से अगर कोई मसला पूछा जाता और उस वक्त उन्हें इसका इल्म ना होता तो कह देते कि मैं नहीं जानता आपके शागिर्द इबन वहब रहमत आल कहते हैं कि अगर मैं इमाम साहब का मुख्तलिफ मौ पर कहा गया मैं नहीं जानता लिखा करता तो नामालूम कितनी तख्तियां भर जाती इमाम मालिक रहमत लाई की वजाहत और शख्सियत का रोब इस कदर था कि एक बार मस्जिद नबी में किसी से बहस करते हुए खलीफा मंसूर की आवाज़ बुलंद हो गई इमाम मालिक ने खलीफा वक्त को डांटते हुए ये आयत तलावत की ला अपनी आवाज़ों को नबी आवाज से बुलंद करके गुफ्तु ना करो इस पर खलीफा वक्त फ़ौर खामोश हो गया इमाम मालिक रहमत एक हिजरी में इक्यासी साल की उम्र में मदीना तैयबा में फौत हुए आपकी तदफीन जन्नतलबकी में की आज भी इमाम मालिक रेनसायर मराकेश और स्पेन में मौजूद हैं अल्लाह इनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजल फरमाए आपने देखा जी इमाम मालिक रवाले से और इस पैकेज में हमने कुछ ऐसी चीजें भी देखी और सुनी है के जिनके बारे में शायद हमें पहले पता नहीं होगा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं बटी साहब का सिलसिला शुरू करेंगे अगर आप इजाजत दें तो जी जी आप फिर मुस्कुरा रहे हैं <laughs> <laughs> चलिए हम मेरी तो मजबूरी है जी <laughs> चलिए हम ऐसे कर लेते हैं कि यह सुन्नत <laughs> है हमने कोई सुन्नत तो अपनाई जी अलहमदल चलो ठीक है सर सवाल है मेरे पास कि मैं एक नेकी शुरू करता हूँ तो बसाओकात आगाज में रियाकारी और दिखलावे का अमल दाखिल होता है लेकिन दौरान अमल ही अल्लाह ताला मुझे तोफ़ी का फरमाता है कि मैं रियाकारी को झटक देता हूँ अब मेरा सवाल यह है कि क्या मेरा यह अमल ज़ाया हो जाएगा या फिर रियाकारी झटक देने और अखलास की तरफ पलट आने के सबब मुझे मेरे इस अमल का सवाब हासिल होगा माशा इस भाई का जज्बा वैसे बहुत फिक्र है काबले तारीफ है कि उनको अपने अमल की फ़िक्र भी है तो सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह रबुल्ज़त ने खुद कुरान मजीद में, में यह फ़रमाया वमा उमिर अब मुखलिन कि अल्लाह ने हुक्म यही दिया है कि हर अमल उसकी रजा के लिए होना चाहिए तो जो अमल आप अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए करेंगे खालस उसी के लिए उसका अजरस आप तो पक्का है ठीक है और जिसमें आपने किसी और मकसद को भी शामिल कर लिया मस एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहता अल्लाह के रसूल एक बंदा जिहाद के लिए जाता है और उसका मकसद ये होता है कि मालिक नीमत मिलेगी अच्छा नीयत ये नीयत ये है, है मुसलमानों को फतह होगी तो माल मिलेगा, माल मिलेगा। एक शख्स जो है वो इसलिए जाता है कि मेरी बरदरी जा रही है बरदरी की खातर बरदरी का दिफा करने के लिए लड़ने के लिए जाता है तो अल्लाह के रसूल एक तीसरा बंदा है जो सिर्फ बहादरी दिखाने के लिए कि मैं हूँ हीरो आज का वाह वाह हो जाए बल्ले बल्ले हो जाए ज़रा तो इनमें से कौन सा है जो अल्लाह की राह में जहाद करने का के लिए गया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें से कोई भी जिहाद फी सबी के लिए नहीं गया है जिहाद फी सबी वो है जिसमें अल्लाह का कलमा बुलंद हो अल्लाह का दीन सर बुलंद हो जो अपनी जतीी शुजात दिखाने के लिए जो बरादरी के दिफा के लिए और जो माल गनीमत के लिए गया है वो जिहाद फी सबी नहीं है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से खुद सी बयान की फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फरमा देते शराका यानी शिरक अल्लाह किसी को पार्टनरशिप कबूल नहीं करता है कोई पार्टनर बनाता ही नहीं किसी भी अमल में जब थोड़ी सी चीज़ भी आप किसी और के लिए रख लेते हैं तो अल्लाह कहते हैं मैं सबसे बेपरवाह बे नज़ा हूँ बेशक तो अल्लाह कहता है मैं उसको भी और उसके अमल सबको ही छोड़ देता हूँ जो जिसको थोड़ा सा दिया था ना सारा ही उसको दे दो मुझे नहीं चाहिए ज़ीरो हो गया जीरो तो अब ये जो भाई कह रहे हैं ना जी इनका मामला थोड़ा मुख्तलिफ है इनको तसली वैसे रखनी चाहिए अच्छा। इनका ईमान बाकी है शुरू में थोड़ा सा जज्बा होता है कि तो सेल्फी ले लें थोड़ा सा लोगों को भी पता चले स्टेटस पे डालेंगे लेकिन बाद में ख्याल आता नहीं मेरा तो अमल ज़ाय हो जाएगा फ़िक्र हो गई तो अब इस फ़िक्र की वजह से इनशाला इसको पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि इसका अमल बच गया है क्योंकि अल्लाह रब्मात अन ताबा व आमन व अमिल अमलहा दिल्ल आत हासनात जो बंदा तोबा कर ले इसको ख्याल हो रहा है ना कि मेरा अमल गलत हो रहा था फ़ौर रजू किया है जो तौबा कर ले ईमान ले आए नेक अमल कर ले तो अल्लाह पिछली गलतियों को भी नेकियों में बदल देते तो इसको पूरी तसली रखनी चाहिए परेशान नहीं होना चाहिए परेशान नहीं होना चाहिए हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह तालदार साबी थे मुसलमान होने से पहले बहुत गुलाम आजाद करते थे सद खरात करते थे रिश्तेदारों के साथ बड़ा ही उसने सलूक करते थे जब इस्लाम कबूल किया तो फिक्र हुई अल्लाह के रसूल वो जो मैं पहले नेकियां करता था तो वो उनका क्या होगा तो आपने तसल्ली देते हुए कहा असलम तलामिन खैर हकीम जितनी नेकियां तुम कुफर के ज़माने में करते रहे हो अल्लाह उसको भी कबूल कर लेगा सुबह सर बड़ी जबरदस्त बात तो है ये तो मुसलमान होने से पहले जितने अमल नेक किए थे वो भी कबूल हो रहे हैं तो ये तो है मुसलमान इसको फिक्र ला है कि मेरा अमल कहीं ज़ाया तो नहीं हो गया तो इन उम्मीद रखनी चाहिए

तो इस शैतान को पहले साइड पे करके अल्लाह के हिसार हिफाजत में आके उसके बाद अमल शुरू करें ठीक है और जब बंदा पूरी तरह रेडी होगा कि मैंने अल्लाह को राजी करने के लिए करना है ये अमल तो फिर ये शैतान तैयारी कर लेंगे तो हाँ। फिर नेकी प्रॉपर मिलेगा अल्लाह नेकी को ठीक है सर अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है मेरा मसला शादी के मतलब है मेरी उम्र इस वक्त उनतीस साल है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई हालांकि मेरी मुलाजमत भी है और मैं शादी करने की एहलीत भी रखता हूं लेकिन जब मैं शादी के मसायल सुनता हूँ बच्चों की तरबियत के हवाले से सुनने में आता है तो बहुत मुश्किल है जिस वक्त मैं बच्चों की जानब से वालदान की नाफरमानी के वाक़ सुनता और पढ़ता हूँ तो शादी के फैसले से पीछे हटने लगता हूँ इस सूरत हाल में आप मुझे नसीहत फरमाएं कि मुझे क्या करना चाहिए यानी मुस्तबिल खौफ अभी अपने ऊपर तारी किए किया जी जो कि अभी किया ही नहीं है अभी किया ही नहीं किया ही नहीं तो इनको आमना के लाल मोहम्मद के उस हसना पर अमल करना चाहिए आपका हुक्म क्या है या माशर शबाब मनबात आपने नौजवानों को हुक्म दिया है कि जिसके पास भी शादी की ताकत यानी जिसमानी तौर पर फिट है और ये भाई खुद बता रहे हैं कि मेरे पास सारे वसायल भी मौजूद हैं जी तो इसको तो हुक्म है कि शादी करो और फिर दूसरी हदीस में आपने फरमाया तजवजुलूद अलूद उन खुत से शादी करो जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा रखती हूँ जो काम और बच्चों से मोहब्बत करने वाली हूँ फ़ैनी मुकासर बिकुम क़्यामत वाले दिन मैं अपनी ज़्यादा उम्मत पर उम्मतें आएँगी ना तदाद आएगी और अल्लाह के नबी सल वसम फ़रमाते हैं कि जब नबी आ रहे होंगे तो किसी नबी के साथ एक उम्मती किसी के साथ दो किसी के साथ दस किसी के साथ बीस और फिर एक बहुत बड़ी उम्मत आएगी तो मैं खुश होकर कहूँगा ये मेरी है तो नहीं ये मूसा और उनकी कौम आ रही है यानी वो बहुत बड़ी होगी तो अल्लाह के नबी कहेंगे मेरी उम्मत कहा? तो फिर जिबराल कहेंगे आप जरा पीछे देखें जो चारों तरफ फैली हुई है वो है आपकी उम्मत तो आपने फरमाया बच्चे होने चाहिए और मैं अपनी उम्मत की कसरत पर फखर करूंगा दूसरे नबियों के सामने तो ये भाई अल्लाह के रसूल के हुक्म को भी टाल रहे हैं और जिस बात पर अल्लाह के नबी ने फख्र करना उसको भी टाल रहे हैं और फिर ये एक अंदेशा है औलाद अल्लाह देगा तो वो नाफरमान होगी भाई आप तरबियत करें ऐसे हीरे तराशें कि वो आपके लिए जन्नत का बायस बन जाएं और दुनिया में भी आपके नेकनामी हो तो कितने वो लोग हैं जिनकी ओलाद की वजह से सदियां गुजरने के बाद भी उनके वालदेन का नाम जिंदा रहता है बेशक मिसालें मौजूद हैं मिसाले मौजूद हैं और अगर अल्लाह इनको बेटियाँ दे दे तो कैसी खुशबकती है आपने फरमाया मन आला जा जिसको अल्लाह बेटियाँ दे और वो दो बेटियाँ हों और उनकी बेहतरीन तरबियत कर जाए तो आपने ये दो उंगलियां ऐसे करके कहा कि जन्नत में मैं और वो दो इस तरह जन्नत में कटे जाएंगे सुबह क्या मुकाम इतनी है सर, बड़ी माशाल्लाह इस संदेश से बंदा छोड़ दे कि कल को मेरी औलाद नाफरमान होगी भाई आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे अल्लाह औलाद देगा और वो औलाद मेरे लिए दुनिया ही को जन्नत बना देगी बस वस बसों से निकले बस वस बसों से करनी चाहिए अच्छा सर यहाँ पे कथक लामी की माजरत एक चीज़ बड़ी क्वेश्चन बार बार सेन में आता है और शायद उस पर हम पे तनकीद भी हो सके कि यह क्वेश्चन क्या किया है सर ये बताइएगा कि एक ऐसा शख्स जो शादी का ख्वाहिशमंद है जैसे अभी हम तलकिन कर रहे हैं आपके पास सारे वसायल हैं तो आपको करना चाहिए खाम ख्यालियों से निकले जब शादी करनी हो तो शरीक हयात के बारे में कि ये कैसे पता चल सकेगा कि बच्चे पैदा कर सकती है ये औरत या इस खातून के बारे में आप समझ रहे हैं अब तो बेशुमार बेशुमारहूलियात मौजूद हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम के दौर में जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की याफ्त नहीं थी थी नहीं तरक् याफ्त क्या थी नहीं तो उस वक़्त ख़ानदान को देखा जाता था कि इस ख़ानदान में मसलन जिस औरत से शादी कर रहे हैं उसके अपने बहन भाई कितने हैं अगर उसकी बहनों की शादी हुई है तो उनके बच्चे कितने हैं अगर उसकी खाला भूपी को देखें तो उनके बच्चे कितने हैं ठीक तो उसको देखते हुए फैसला करें कि इस खानदान में बच्चे हैं भी और बच्चों को पाला भी जाता है तरबियत भी की जाती है बच्चों से मोहब्बत भी की जाती है और जिस फैमिली में बच्चों से नफरत हो बच्चे पैदा करना ही वो जुर्म समझते हूँ और वहां एक एक बच्चा दो दो बच्चे जी फैमिली पूरी हो गई है तो वहां मत करें यानी जेनेटिकली हसब नसब देखें ना जी बिल्कुल बैकग्राउंड देखें और उसके मुताबिक फैसला करें वेल सर ठीक है सर अगला क्वेश्चन है सर मेरे पास कि जब मैं बाले हुआ तो मुझे गसल फ़र्ज होने का इल्म नहीं था चुनाचे मैं तीन बरस तक इसी हालत में रहा और तीन बरस के बाद मुझे गसल फ़र्ज होने का इल्म हुआ मेरा सवाल ये है कि इस मुद्दत के दरमियान बग़ैर गसल किए अदा करदा नमाजों का मुझे क्या करना होगा क्या मेरे ज़िम्मे उनकी क़़ा है या नहीं हाँ ये वही बात कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें जी बिल्कुल तरबियत ना होने की वजह से इस बच्चे को घर से कुछ भी गाइडेंस नहीं मिली है जबकि मुसलमान वालदेन को अल्लाह के रसूल का हुक्म यह था कि मरू औलाद कबला व हम अबना विन जब बच्चा सात साल को हो जाए तो नमाज की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दें उसको साथ लेकर जाएं, उसको पढ़ाएं, उसको बताएं, तरीक़ा सिखाएँ और जब वह दस साल का होकर नमाज़ नहीं पढ़ता तो उसको डांट टपट भी करें बाकायदा पूछगिछ करें कि बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ी और अगर एक बच्चा दस साल तक ये सारे मरल गुजर जाए तो आज की सारी मेडिकल साइंस भी यही कह रही है और सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि सात साल से दस साल तक जो सिखा देंगे वो हो जाएगा फीड हो जाएगा फीड हो जाएगा, हो जाएगा।, हो जाएगा। तो अगर वालदेन यही पीरियड जो है ये तरबियत करते हुए गुजारते तो ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हम उनको सहूलियात की फिक्र कर रहे हैं बच्चे के पास बाइक होनी चाहिए बच्चे के पास बेहतरीन बैग होना चाहिए अच्छा स्कूल होना ये सारी चीज़ें ठीक है जरूरत है आज के दौर की लेकिन जो तरबियत माँ बाप ने देनी है स्कूलों में तो मिल नहीं रही कॉलेज में नहीं मिल रही इस्लामी तरबियत तो घर से भी नहीं मिली तो किधर जाएंगे तो इनको तरबियत करनी चाहिए थी अब नहीं हुई तो सवाल ये है जी। कि मेरी नमाजों का क्या होगा जी तो जो नमाजें इसने जहालत में ऐसे ही पढ़ी अब उनको लुटाने की जरूरत नहीं जब इसने तोबा कर ली तो तौबा की वजह से जैसे पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा तो वो पिछले अल्लाह ताला गलतियों को भी सुधार देते हैं खुद ही सुधार देंगे अब जब तौबा करके ये सीख चुका है नमाज़ सही पढ़ रहा है तो इन शाला गुजश्ता भी कबूल हो जाएगी यानी इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो मेन इशू नज़र आता है भट्टी साहब कि तरबियत करने तर्भीयत वालों की का ना होना ना होना उनकी ज़िम्मेदारी थी जी जी बिल्कुल ठीक है सर फिर ये पूछा गया कि एक शख्स पर माली एतबार से हज फ़र्ज हो चुका है उसने हज के लिए रकम भी खासी कर रखी है लेकिन मतदद बार कुरानदाजी में उसका नाम नहीं निकला मुसलसल नाकामियों के बाद उसे ख़दशा है कि वो इस आखिरी उम्र में बग़ैर हज किए ही दुनिया से रुखत ना हो जाए और उसे अपने वर्षा से ये भी अंदेशा हो कि वो इस रकम से उसकी तरफ हज बदल भी नहीं करेंगे तो क्या ऐसा शख्स मजकूरा रकम किसी मस्जिद बनाने पर सर्फ़ कर दे तो क्या इन मजबूरियों की वजह से हज साखित हो जाएगा अल्लाह ताला से हम पहले तो दुआ करते हैं कि इन बुजुर्गों को अल्लाह ताला मौका दे दे अपने घर बुला ले आमीन और आमीं, इनको हाजिर उम्र की साधन नसीब हो जाए आमीन उसके बाद हम इनको हाल बताते हैं जी इन्होंने रकम जमा की हुई है ठीक है तो ये हर साल कुरान दादी में शामिल ना ना हो ये जो बाकी जिगर हज कराने वाली कंपनियां हैं सरकारी हज में होता है ना कुरान दादी बाकी तो कुरान दादी नहीं करती जी बिल्कुल पैसे थोड़े ज्यादा लेते हैं तो ये जितनी रकम जमा है उसमें थोड़े से और शामिल करें और किसी भी दूसरी कंपनी के जरिए हज करने में कामयाब हो सकते हैं और अगर वो भी मुमकिन नहीं है पैसे थोड़े हैं ज्यादा नहीं है तो उम्रे के लिए चले जाए उम्रे के लिए तो कुरान दादी की जरूरत ही नहीं है उम्रा तो करके आए ना और वहां जाकर गिड़गड़ा के दुआ करें तो इंशाल्लाह हज की भी अल्लाह वाह वाह बेटी साहब क्या बात है अल्लाह अल्लाहानी फरमा देंगे बेशक और अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो फिर सऊदी अरब में उनके कोई कोईजोकार कोई दोस्त सहबाब मौजूद होंगे रकम उनको भेजें और उनको कहें मेरी तरफ से अजय बदल कर दें मैं वहां पहुंचने के काबिल नहीं हूँ नहीं पहुंच पा रहा जी तो ये तमाम सहूलियात में से कोई एक वो अख्तियार कर लें चाहे तो वो रकम थोड़ी बढ़ा के तो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ हज पे चले जाएं ठीक है या वो खुद अभी उम्र खुल गए माशाल्लाह तो उम्र करने चले जाएं और वहां जाकर दुआ करें अल्लाह कबूल कर लेंगे इन है या किसी अजीज को किसी दोस्त के जरिए हज बदल कर लें और इतना वेट ना करें कि ये सारे खदशात जो वो बता रहे हैं उनमें से कोई एक अल्लाह ना करे कि वो कोई एक सही हो कि औलाद अजय बदल नहीं कर रही वो रकम कहीं खा जाएगी लेकिन मस्जिद में देने से हज का स्वाब नहीं मिल रहा वो है अपना है। अलग अलग शोभा है तो इनको किसी ना किसी जरिए से अपना हज कर लेना चाहिए अगर आप हाजिरी चाहते हैं जैसा साहब ने फरमाया तो तीन रास्ते बताया। आप किसी एक पे चलेंगे आप यकीन कीजिए किसी एक पे चलेंगे मैं रिपीट कर रहा हूं तो आपके मजीद रास्ते ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे ठीक ठीक है है आगे बढ़ते हैं जी भट्टी साहब एक और सवाल है जिसमें पूछा गया है कोई खाने पीने की चीज बाथरूम में लेके जाना कैसा है मसलन बिस्किट का पैकेट या कोई और खाने की चीज जो कि पैक हो या जेब में पड़ी हो और उसी हालत में इंसान बाथरूम चला जाए तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है क्योंकि मैंने सुना है कि इस तरह वो चीज हराम हो जाती है ये बड़ा ही मुश्किल मसला है कि किसी भी हलाल चीज़ को सिर्फ वाशरूम में लेके जाना और वापस ले आने से वो हराम हो जाए हराम हो जाएगी ये वसवसे हैं ये हिंदूजम के असरात हैं जो हमारे माशरे पर हैं कि ऐसे ही किसी ना किसी चीज़ को हराम करा देते थे, थे। वाशरूम में जाने से कोई चीज़ ना हलाल होती है ना हराम होती है आपके पैकेट आपकी जेब में हैं जी बिस्कुट पैक हैं क्या हुआ है उनको या आप मसलन खाते खाते ही आपको को बेसन की ज़रूरत पेश आई कुली करनी थी हाथ धोने थे और आप खाते खाते चले कुछ भी नहीं होता हराम और हलाल कराने के जो मैारत जो पैमाने अल्लाह के नबी दिए हैं उनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं अच्छा सर आगे फिर ये क्वेश्चन है मेरे पास कि एक औरत बीमार हो गई उसे खून की ज़रूरत थी मैंने उसे खून दे दिया अब जब वो सेहतियाब हो चुकी है तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो क्या मेरे लिए ऐसा करना दुरुस्त है या फिर उसे चूँकि मेरा खून लग चुका है इसलिए मैं उससे रिश्ता नहीं कर सकता बर करम मेरी रहनुमाई फरमाइए यानी उनके कहने का मतलब ये है कि उनके में खून लगने की वजह से अब वो इनकी बहन हो गई जी। ऐसा नहीं होता है ठीक है जो शर् रिश्ता है वो या तो नसब से यानी आपके वालद की तरफ से जो सिलसिला चल रहा है वहाँ से वो कोई औरत आपकी बहन होगी या फिर एक खातून ने किसी बच्चे को दूध पिला दिया और उसकी भी मकदार है उसकी भी उम्र है कि वो छोटा बचपन में जब अभी दूध उसकी ख़ुराक है पाँच दफ़ा पेट भर कर वालदा का दूध पिए किसी भी खातून का पिए तो वो औरत इसकी वालदा हो जाएगी और उसके जितने बच्चे हैं वो इस दूध पीने वाले के बहन भाई हो जाएंगे रज़ाई बहन भाई हो रजाई ठीक है अल्लाह के नबी कहते हैं या हरुमना ऱा माँ युम नसब के जो रिश्ते नसब से हराम है जैसे बांजी है भतीजी है बहन है खाला है फूफी है ये सारे रिश्ते तो इसी तरह अगर रज़ा दूध पी लिया इस बच्चे ने तो फिर उस औरत के जितने रिश्तेदार हैं वो इस बच्चे दूध पीने वाले के रिश्तेदार हो जाएंगे खाली खून देने से कोई रिश्ता साबित नहीं होता है इसलिए इनको परेशान नहीं होना चाहिए और ये शादी कर सकते हैं ठीक ठीक है आन्य। 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 है यानी पंजाबी कहते के जी ये भी इख्तरा आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं उस बहन से आ, सर अगला क्वेश्चन है मेरे पास बास कंपनीज और दुकानें अपनी तजारत को फरोह देने की खातिर खरीदारों को मुफ्त इनाम पेश करती हैं ये मुफ्त इनाम किसी भी सामान की शक्ल में होता है तो कभी रुपए पैसे की सूरत में आम तौर पर यह इनाम कुरानंदाज़ी के जरिए ख़रीदारों में तकसीम किया जाता है क्या इस मुफ्त इनाम का लेना जायज़ है कहीं ये चीज़ जुआ के ज़िमन में तो नहीं आती मुख्तल बड़े बड़े स्टोर जो हैं वो गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर देते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ शॉपिंग करें ये गाड़ी नाम में दे रहे हैं इसकी दो सूरतें हैं जी नंबर एक कि वो कंपनी जो इनाम दे रही है कैश इनाम हो या गाड़ी की सूरत में हूँ या चीज़ों की सूरत में हूँ वो इनाम अपने नफ़े में से दे वो चीज़ों की कीमत बढ़ा के ना दे मतलब आम चीज़ जो पहले दस रुपए बीस रुपए की थी तो उसको उधर ही रखे और इसमें इजाफा नहीं करे और दूसरी शर्त यह है कि जो शख्स यहाँ इस स्टोर से इस दुकान से सामान खरीद रहा है वो अपनी जरूरत के लिए ख़रीद रहा है रूटीन के मुताबिक ख़रीद रहा है सिर्फ़ इस इनाम के लालच में वहाँ जाकर रिश्तेदार ना बने तो फिर ये जुआ नहीं है फिर यह इनाम है यह कंपनी की तरफ से एक सूलत है फिर वो ले सकता है ठीक है अच्छा यानी अगर वो प्रॉफिट का मार्जिन जो भी कंपनी या शॉप है जी, इस कदर ना बढ़ा दे कि जो नाजायज हो जी जी वो गलत है या चीजों की कीमत जो पहले थी उसमें इजाफा करके उस इजाफे में से अगर देती तो फिर ये जुआ है अगर वो रूटीन की कीमतें वैसे ही रखते हैं और अपने जैन प्रॉफिट में से अपने गाहक बढ़ाने के लिए अपनी प्रमोशन के लिए कुछ देते हैं तो फिर जायज़ है अच्छा वैसे बड़ी साहब ये भी क्वेश्चन है कि कैसे मुमकिन है कि आपने प्रॉफिट का मार्जिन भी कम रखा हो और आप फिर इनामत भी दे रहे हो तो ये भी वैसे एक सवाल बन जाता है लेकिन कुछ कंपनी जो नई लॉन्च होती है ना उनको ये करना पड़ता है ठीक है वो, वो, वो आने वाले फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जितने उनकी गाक ज्यादा हो जाएंगे सेल ज्यादा हो जाएगी तो थोड़े मार्जिन से भी वो ज्यादा कमाएंगे और उसमें से वो कुछ ना कुछ दे देते हैं ठीक है यानी कि क्वांटिटी की तरफ नहीं।, नहीं जा रहे होते वो वो देख रहे होते कि प्रॉफिट का मार्जिन बेशक कम है लेकिन लोग अगर लोग ज्यादा ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा हो ठीक है यानी परेशान होने की जरूरत हाँ, नहीं दुरूत है जरूरत नहीं ठीक है बड़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का आप हमारे पास आते हैं मुस्कुराते रहते हैं अल्लाह आपको मुस्कुराता रहे और हम भी मुस्कुराते रहे हमारे साथ मौजूद थे जी मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी जो कि मुस्कुराने वाली शख्सियत है अल्लाह इनको हंसता खेलता ही रखे हम भी हंसते मुस्कुराते रहें आप भी हंसते मुस्कुराते रहें हमारे साथ मौजूद थे जी कारी मोहम्मद इमरान सल्फी साहब फ़ाजिल कररात अशरा हैं और इनके पीछे हम नमाजें भी अदा करते हैं सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम यहाँ पे अभी जारी है एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हंसते मुस्कुराते ब्रेक लेंगे और हंसते मुस्कुराते वापस आएंगे आप हमारे साथ रहिए कहीं ना जाइएगा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद